अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद मुनीब कैनी है। मेरे फादर का नाम फरूख नेम कैनी है। मैं पीटीआई आईएसएफ इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन का सीनियर डेप्यूटी कन्वीनियर रहा हूँ 2 साल के लिए। और कल मैंने 2 ट्वीट्स किए, जिसमें पहला ट्वीट ये था, जिसमें एक ट्वीट मैंने खुद जनरेट किया था और दूसरा मैंने कॉपी पेस्ट किया था। एज इट इज पूरा कॉपी और पेस्ट करके मैंने उसको ट्वीट कर दिया था। मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई और ये गलती कुछ लोगों की वजह से इन्फ्लुएंस में आकर हुई, कुछ लोगों से इंस्पायर होकर हुई, जिनमें जहां से मैंने इन्फॉर्मेशन ली वो एक सोल्जर स्पीक्स का पेज था, एक इस्मा खान पीटीआई पेज था और एक सबीना कियानी पेज था और एक इमरान रियाज खान पेज था, जिनसे मैंने ये सारी इन्फॉर्मेशन लेके जो ट्वीट मैंने जनरेट किया। और वो मेरी बहुत बड़ी गलती थी, उसमें से कुछ भी सच नहीं था और मैंने उसकी तस्दीक भी बिल्कुल नहीं की थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं फरफ नईम कियानी, जो मोहम्मद मुनीब कियानी का वालिद हूँ। मेरे बेटे ने कल एक ट्वीट शेयर किया था जो कि काबिल एतराज था और वो मैं ऐन वक्त पे नहीं चेक कर सका, जिसको मैं जिम्मेदारी लेता हूँ और आज मैं इस चीज़ की गवाही देता हूँ कि आइंदा ये काम नहीं होगा और हम इस चीज़ से दूर रहेंगे और मैं अपने बेटे की तमाम एक्टिविटीज़ पे नज़र रखूँगा। हम मुहिब वतन लोग हैं और पाकिस्तान आर्मी, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि उसका खून हमारी रगों में है, हम उसका दिल जान से एहतराम करते हैं और इंशाल्लाह करते रहेंगे। लिहाजा ये जो गलती मेरे बेटे से हुई है, इसको मैं फ़ोन करता हूँ और आइंदा इसको कहूँगा कि कभी भी ये ऐसी गलती ना करे और मैं खुद इस चीज़ का जिम्मेदार हूँ और मैं सामने इस चीज का इकरार कर रहा हूँ कि आइंदा वो इस किस्म की गलती नहीं करेगा। मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूँ। पाक फौज जिंदाबाद।